वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। मैं आपको मेडिटेशन की ताकत बताना चाहता हूँ। मैं आज आपको दुनिया का सबसे बड़ा नींबू का पेड़ में से एक पेड़ दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा। यहाँ बाजू में एक बाबा की कुटिया बनी है, जो लोग यहाँ मेडिटेशन करते हैं, इससे ही पास में लगा है एक नींबू का पेड़। इतना बड़ा पेड़ है, लगभग 15 साल पुराना पेड़ है, और 12 महीने ये नींबू देता है। अब ये मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये नींबू का पेड़ है, और इतना बड़ा ये नींबू का पेड़ है, और इस पर कुछ नहीं तो देखिए, नींबू ही नींबू, नींबू ही नींबू। बल्कि ये बरसात का समय है, इस समय नींबू नहीं फलता इतना ज़्यादा, लेकिन इसमें नींबू ही नींबू, नींबू ही नींबू दिख रहे हैं, और कम से कम 20 किलो नींबू होंगे। देखिए, आप ये अच्छे से देखिए इस नींबू के पेड़ को, और प्लस इस नींबू के पेड़ की ये देखिए शाख, इतनी बड़ी इसकी ये शाख है। आप ये देखिए, मतलब ये एक पूरा पेड़ के बराबर है, मेरे दोनों हाथ में नहीं आ रही है। और इसमें ये आप ध्यान से देखिए, ये नींबू ही नींबू, नींबू ही नींबू, कम से कम 20 से 25 किलो नींबू सिर्फ इसमें है। और बाजू में जो ये कुटिया दिख रही है आपको, इस कुटिया में मेडिटेशन हॉल है, यहाँ मेडिटेशन होता है, और उसके वाइब्रेशन से इस पेड़ को इतनी ज़्यादा शक्ति मिल रही है, इसकी छटिंग हो रही है, और इसमें इतनी ज़्यादा पैदावार मिल रही है। क्यों भाई जी, इसमें 12 महीने नींबू रहते हैं क्या? और कितने साल पुराना है ये? लगभग 15-16 साल। इससे बड़ा पेड़ कहीं देखे आपने कभी क्या? देखिए, मेडिटेशन का पावर, कि यहाँ पे जो कहते हैं शाश्वत योगिक खेती, ये शाश्वत योगिक खेती का पेड़ है, जहाँ मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन से यहाँ बहुत अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक वाइब्रेशन आते हैं। यहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा का एक अलग ही भंडार दिख रहा है। और आप देखिए नींबू के पेड़, आप ध्यान से इसको देखिए, क्लोजअप में भी इसको दिखाइएगा। इस पेड़ों में नींबू ही नींबू, नींबू ही नींबू, बल्कि अभी जुलाई चल रहा है, और जुलाई में इतने नींबू कहीं पेड़ में नहीं आते, बल्कि पत्ते तक इसके बरसात में जड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा पेड़ है, इसको ध्यान से देखिए, इसकी शाख देखिए, और आप मेरे को बताइए कि कभी आपने इससे बड़ा नींबू का पेड़ देखे हैं क्या? इसकी अभी रेगुलर छटिंग कर रहे हैं, और कम से कम इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डगाल तो ये मोटी मोटी निकली, और फिर इसके असंख्य घेरे हैं। और ये देखिए, इसकी छटिंग का काम चल रहा है। ये इतना बड़ा पेड़ है, मैंने नींबू का इतना सुंदर, इतना प्यारा पेड़ अपने जीवन में कभी नहीं देखा, इसलिए दुनिया में सबसे एक बड़े पेड़ में से मुझे एक दिख रहा है। और गजब का खूबसूरत, 20 किलो कम से कम इसमें फल लगे हुए अभी की डेट में। तो देखिए, प्राकृतिक यौगिक खेती करके, प्राकृतिक खेती करके, मेडिटेशन वाली खेती करके, आप पेड़ों को कितना अच्छा वाइब्रेशन दे सकते हैं। और इतना बड़ा नींबू का पेड़ फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई है। देसी बीज लगाइए, देसी कलम लगाइए, और देसी नींबू लगाइए। कौन कहता है कि देसी नींबू 15 साल से ये 12 महीने पेड़ देता है, 12 महीने इसमें फल रहते हैं, इसमें 12 महीने फ्रूटिंग आती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना शानदार, कितना ताकतवर, मंत्र के द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, और उसके अलावा देसी बीज होने के कारण 15 साल पुराना ये शानदार देसी है। और इसके नींबू का साइज भी आप देखिए, बहुत अच्छा आ चुका है, कुछ दिन में ये तोड़ने लायक हो जाएगा, और नींबू ही नींबू दिख रहे हैं इसमें, इतना शानदार पेड़ है। तो दोस्तों, आज आपको मैं देसी बीज की ताकत बताना चाहता था, और नींबू जीता जागता एग्जाम्पल है। जय हिंद।